हेलो फ्रेंड्स, अब इमल्सन चूंकि बीच का टॉपिक है तो आपको कुछ चीजें यहां पे मालूम होना चाहिए। जैसे इसमें टर्म जो जो भी आएगा हम लोग उसको लेकर चलेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इमल्सन में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, तो इमल्सन होता क्या है सीधे सीधे देखिए, हम लोग कोलाइड की बात करते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन है ये। इमल्सन क्या है? कोलाइडल सोल्यूशन होता है। अब चूंकि बीच का टॉपिक है इसलिए कोलाइड के बारे में तो आपको जानकारी उतनी है नहीं, लेकिन फिर भी जानते रहिए, हम कुछ चीजें बता देंगे आपको। कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड जो होता है उसे आप इमल्सन कहते हैं, कार्ड इमल्सन, कार्ड इमल्सन। कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड दैट इज कार्ड इमल्सन। और आप जानते हैं कोलाइडल कोलाइडल सोल्यूशन में दो फेज होते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन हैव टू फेजेस, दो फेज होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कोलाइडल सोल्यूशन हैव टू फेजेस और एक का नाम होता है, क्योंकि आपने अभी नहीं पढ़ा है इसको, सुना नहीं होगा, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज है, और दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में दो फेज, आपके कोलाइड में दो फेज होते हैं भाई। अगर हम इसको ध्यान दें, जैसे आप सोल्यूशन लेते हैं तो सोल्यूशन में आप दो चीजें यूज करते हैं, एक सल्यूट यूज करते हैं और एक सॉल्वेंट यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो वैसे कोलाइडल सोल्यूशन में हम लोग डिस्पर्स फेज यूज करते हैं और डिस्पर्जन मीडियम यूज करते हैं। और डिस्पर्स फेज जो होता है कोलाइड में, जो जिनका प्रपोर्शन क्या होगा, इन कोलाइड, इन कोलाइड, कोलाइड में इनका प्रपोर्शन क्या होता है, स्मॉल, लो क्वांटिटी, इन कोलाइड लो क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे, लो प्रपोर्शन होगा इनका। कोलाइड में जो लो प्रपोर्शन में होता है उसे क्या कहते हैं, डिस्पर्स फेज, और जो हायर प्रपोर्शन में होता है, हायर प्रपोर्शन इन कोलाइड, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक, तो यहां पर भी सोल्यूशन में जो लो प्रपोर्शन में होता है उसे आप सल्यूट कहते हैं और जो हायर प्रपोर्शन में होता है उसे आप सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे चीनी और पानी का मिक्सचर आपने देखा होगा ना, तो चीनी जो है अगर आप पानी में मिला रहे हैं तो चीनी का अमाउंट कम लीजिए और पानी ज्यादा लेते हैं। ठीक, तो जो अमाउंट के आधार पे हम लोग सॉल्वेंट और सल्यूट को कैटेगराइज करते हैं, उसी तरह से अमाउंट के आधार पे कोलाइडल सोल्यूशन में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम होता है। क्योंकि यहां पे टर्म यूज होगा कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड दैट इज कॉल्ड इमल्सन, तो हम लोग यहां पर इसी की चर्चा कर रहे हैं। ठीक, और खासियत इसकी क्या होती है, इसमें दोनों फेज, इमल्सन की बात कर रहे हैं, बोथ फेजेस आर लिक्विड, इन इमल्सन की बात हो रही भाई, इन इमल्सन बोथ फेजेस आर लिक्विड्स। ठीक, तो इसका मतलब है जो डिस्पर्स फेज होगा वो भी लिक्विड होगा और जो डिस्पर्जन मीडियम होगा वो भी क्या होगा, लिक्विड होगा। इसका मतलब है एक लिक्विड इसमें से डिस्पर्स फेज होगा, डिस्पर्स फेज होगा यानी जो लो क्वांटिटी में होगा, और एक लिक्विड जो होगा वो डिस्पर्जन मीडियम होगा जो हायर प्रपोर्शन में होगा। लो प्रपोर्शन और हायर प्रपोर्शन के हिसाब से हम लोग इस बात को कह रहे हैं भाई, ध्यान रखिएगा। तो किसी भी, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी भी आप दो इमिसिबल लिक्विड का जो भी सोल्यूशन होगा वो हमेशा इमल्सन ही होगा, यानी द टू इमिसिबल लिक्विड ऑलवेज फॉर्म इमल्सन। जो दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं जब भी आप उसे मिक्स करेंगे वो क्या बनाएंगे, इमल्सन। यानी
इंटरमिक्सिंग ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स आर कॉल्ड इमल्सन। ध्यान दीजिएगा, दो आपस में ना मिक्स होने वाले लिक्विड्स के मिक्सचर को भी हम लोग क्या कहेंगे, उसे भी इमल्सन कहेंगे। ये ध्यान रहेगा, मिल्क, दूध का इस्तेमाल हम लोग घरों में, हर घर में होता है दूध का इस्तेमाल, कम या ज्यादा की क्वांटिटी से यहां नहीं मतलब है। मिल्क जो है वो नेचुरली अकरिंग इमल्सन है, यानी नेचर में पाए जाने वाला इमल्सन है। मिल्क जो है ये नेचुरली अकरिंग इमल्सन है, अकरिंग इमल्सन होता है भाई, नेचुरली अकरिंग इमल्सन होता है। इसका मतलब है इसमें दो चीजें होंगी, क्या क्या, वाटर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, आयल होना चाहिए, दो लिक्विड होना चाहिए। तो आपको मालूम है इसमें फैट ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, सॉल्युबल फैट ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ग्लोब्यूल्स का मतलब, फैट का मतलब ही होगा सीधा सीधा, ये जो है क्या हो जाएगा, फैट ग्लोब्यूल्स की अगर हम लोग बात करें तो सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं सॉल्युबल फैट ग्लोब्यूल्स जो होगा ये आयल हो गया, और ये डिस्पर्स फेज की तरह एक्ट करता है, ये डिस्पर्स फेज की तरह। हमने क्या कहा, सॉल्युबल फैट ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग डिस्पर्स फेज कहते हैं। और इसके अलावा जो है आपका वाटर होता है, वाटर जो है वो डिस्पर्जन मीडियम होता है, वाटर जो होता है वो डिस्पर्जन मीडियम होता है। इसका मतलब है तेल और पानी का जो मिक्सचर होगा, ऑयल और प्लस वाटर के मिक्सचर को हम लोग क्या कह सकते हैं, इमल्सन कह सकते हैं, ठीक है भाई, तेल और पानी के मिक्सचर को हम लोग सीधे सीधे इमल्सन कह सकते हैं। और ये दोनों क्या होंगे, दोनों इमिसिबल होंगे, ठीक, बोथ आर इमिसिबल, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इमल्सन कह रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप इमल्सन को अगर बनाना हो, जैसे देखिए नॉर्मली इमल्सन को हम लोग बनाना अगर चाहें तो कैसे बना सकते हैं, आप दो लिक्विड लीजिए और दोनों को आपस में मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के लिए जो है हम लोग किसी मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे घरों में जूसर मिक्सर ग्राइंडर होता ही है। तो जूसर में आप क्या करते हैं, आजकल आम का सीजन है, आम लिया, मिल्क लिया और दोनों को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद जो है जूसर चला दिया, ठीक, जूसर चला दिया, वो दोनों दूध और आम का जो पेस्ट है वो तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा आपने उसमें चीनी डाल दिया और चीनी डालने के बाद उसका टेस्ट दूसरी तरह का आपका महसूस होने लगता है। तो ये भी एक जो है प्रोसेस है। तो हम लोग इमल्सन को ऐसे ही प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब आप सेक करिए, सेक जैसे आप मान लीजिए, दूसरा घरों में बच्चे जो है बॉर्नविटा पीते हैं, मिल्क लीजिए, बॉर्नविटा मिक्स करिए और उसे अच्छे से सेक कर दीजिए। सेकिंग करने के बाद, सेकिंग विगोरसली बॉर्नविटा का जो कंटेंट है और लिक्विड का कंटेंट है वो मिक्स हो गया, और वो बॉर्नविटा को इमेजिन करिए वो लिक्विड फॉर्म में, तो वो सेक किया आपने, मिक्स किया और इस तरह से इमल्सन तैयार हो गया। तो यहां पर इमल्सन को बनाने की बात अगर हम लोग करें तो इमल्सन को हम लोग ऐसे ही प्रिपेयर कर सकते हैं। इमल्सन इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय विगोरसली सेकिंग टू लिक्विड्स। यहां लिक्विड्स लेना ये ध्यान रखिएगा, विगोरसली सेकिंग टू लिक्विड्स आर बाय पासिंग द मिक्सचर
पासिंग द मिक्सचर, पासिंग द मिक्सचर थ्रू ए कोलाइडल मिल। अब चूंकि कोलाइड बनना है तो कोलाइडल मिल, थ्रू ए कोलाइडल मिल। आप इस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। दो लिक्विड लीजिए, उसको विगोरसली सेकिंग करिए। जितना तेज आप सेक कर लेंगे, जितनी आसानी से वो मिक्स कर जाएगा, उतना अच्छा है। लेकिन आप जानते हैं, अगर आप इसको कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, अगर चूंकि आपको मालूम है दोनों लिक्विड कैसे हैं, यहां पे इमिसिबल है, तो अगर आप इसको कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, फॉर स्टैंडिंग टाइम, स्टैंडिंग टाइम, उस समय के लिए अगर आप इसको छोड़ दीजिए, तो बोथ लिक्विड लेयर आर सेपरेटेड, बोथ लिक्विड लेयर विच इज इमिसिबल, जो आपस में मिसबिल नहीं होते, इमिसबिल आर सेपरेट, ठीक है भाई, ये सेपरेट हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से इमल्शन क्या हो जाएगा, इमल्शन आपका अनस्टेबल हो जाएगा। जब लिक्विड की लेयर अलग अलग हो जाएंगी तो इमल्शन अनस्टेबल हो जाएगा, इमल्शन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो अब इमल्शन जब अनस्टेबल हो गया, तो इसी को स्टेबलाइज करने के लिए हम इसमें कुछ सब्सटेंस ऐड करते हैं। आर स्टेबलाइज्ड बाय ए सब्सटेंस कॉल्ड इमल्सीफायर, कहते हैं उसे। इमल्शन जो होता है वो स्टेबलाइज होता है एक सब्सटेंस के द्वारा, जिसको आप ऐड करते हैं, कार्ड इमल्सीफायर या इमल्सीफाइंग एजेंट। अभी आपको बताते हैं दूध का एग्जांपल लेकर, इमल्सीफाइंग एजेंट इसे कहते हैं, ठीक है भाई। तो अब आप देखिए, मिल्क की बात कर रहे थे, इसका मतलब इमल्शन में, देखिए ध्यान से, इमल्शन में क्या क्या चीजें हो गई। इमल्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इमल्शन में ये तीन चीजें हो रही हैं। तीन चीजें कौन कौन सी, देखिए, एक तो आपका हो गया डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स्ड फेज हो गया, और ये कौन, ये भी लिक्विड होगा, क्यों, एक डिस्पर्स फेज हो गया, दूसरा डिस्पर्जन मीडियम हो गया, दूसरा आपने कहा डिस्पर्जन मीडियम हो गया, डिस्पर्जन मीडियम ये भी लिक्विड हो गया, और तीसरा आपने कहा इमल्सीफायर, इमल्सीफायर जो इमल्शन को स्टेबलाइज करने के लिए यूज होता है। तो मिल्क में तीन चीजें हो गई। मिल्क में देखिए, आपने कहा फैट ग्लोब्यूल्स हैं, फैट ग्लोब्यूल्स हैं जो आयल, आयल के कंटेंट है, और दूसरा है वाटर है, और तीसरा मिल्क में प्रोटीन पाई जाती, मालूम है ना, मिल्क प्रोटीन, उसका नाम होता है केसीन, केसीन होता है। मिल्क प्रोटीन जो होता है ये इमल्सी फायर होता है, इमल्सी फायर ये जब मिलता है, यानी अगर आप ध्यान दीजिए, केसीन जो होता है इन दोनों को मिक्स करने का काम करता है, मिक्स बाय केसीन, केसीन जो है इन दोनों को मिक्स करने का काम करता है। घरों में आपने पनीर फाड़ा होगा, पनीर फाड़ा होगा, तो पनीर फाड़ते वक्त आप देखते हैं उसमें आप कुछ चाहे नींबू डाल देते हैं, नींबू के रस डाल देते हैं, लेमन के दो चार ड्रॉप डाल देते हैं, तो होता क्या है, जो लेमन होता है वो आपके जो पीएच को चेंज कर देता है, और पीएच के चेंज होने पर जो प्रोटीन की प्रॉपर्टी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डीनेचर्ड हो जाता प्रोटीन, यानी प्रोटीन की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो गई, तो प्रोटीन जो इन दोनों को बांधने का काम करता है वो क्या हो गया, खत्म हो जाता है। तो फैट ग्लोब्यूल्स आपका अलग हो जाता है, मिल्क अलग हो जाता है। अब फिर क्या करते हैं, पानी को छान के आप निकाल लेते हैं, और ये जो फैट ग्लोब्यूल्स होता है इसी को कंप्रेस करके आप रख देते हैं, और यही इसमें कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन, ये जो आपका ये पनीर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीजें हैं भाई, ये चीज को आप ध्यान रखिएगा।
हमारा कहने का मतलब जो है केसीन जो है वो इमल्सीफायर एजेंट की तरह काम कर रहा है, यानी सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं इमल्सन को स्टेबलाइज करने का काम जो करता है उसे इमल्सीफाइंग एजेंट कहते हैं, और इमल्सन बनाने की प्रोसेस को, इमल्सन बनाने की प्रोसेस को द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन को हम लोग क्या कहते हैं कार्ड इमल्सीफिकेशन, इमल्सीफिकेशन कहते हैं, यानी जिस मेथड से आप इमल्सन को प्रिपेयर कर रहे हैं उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे इमल्सीफिकेशन कहेंगे। बेसिस ऑफ एवर वी कैन डिफाइंड एज ऑन द बेसिस ऑफ एवर वी कैन डिफाइंड द इमल्सन इज कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड्स, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स इन विच वन लिक्विड एक्ट एज डिस्पर्स फेज एंड अदर लिक्विड एक्ट एज डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है भाई, ये चीज ठीक, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम ये आपका हो जाएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ इमल्सन। इमल्सन के टाइप्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, और ये भी एक बात हमने आपसे कहा इमल्सीफायर जो होता है वो काम क्या करता है, इमल्सीफायर जो होता है वो आपका क्या करता है इंटरफेसियल टेंशन को रिड्यूस करता है। अभी आपको दिखाएंगे जब प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन बताएंगे तो वहां बताएंगे इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन टू लिक्विड्स ये क्या करता है आर रिड्यूस। ठीक है भाई, जो इंटरफेसियल टेंशन होता है दो लिक्विड्स के बीच में उनको रिड्यूस करने का काम कौन करता है इमल्सीफायर, और जब इंटरफेसियल टेंशन रिड्यूस हो जाएगा तो लिक्विड आपस में मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स हो जाएंगे तो आपका इमल्सन प्रिपेयर्ड इमल्सन। इमल्सन के टाइप्स की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्सन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्सन। टू टाइप्स ऑफ इमल्सन, अगर इमल्सन की बात हम लोग करते हैं इमल्सन की बात करेंगे दो तरह से पढ़ेंगे, एक को हम लोग कहते हैं पहला ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, और इसे साइड में ऐसे लिखा हुआ आप देखते हैं ओ आब्लिक डब्ल्यू टाइप ऐसे लिखा हुआ पाते ऑयल इन वाटर इमल्सन। दोनों साथ साथ लेकर चलते हैं, दूसरा है वाटर इन आयल, वाटर इन आयल, इसको शॉर्ट में लिखते हैं डब्ल्यू आब्लिक ओ टाइप इमल्सन। आप दोनों एक साथ देख लेंगे ज्यादा अच्छा है। अब नाम से पहले आयल को वाटर में ऐड कर रहे हैं और यहां वाटर को आयल में ऐड कर रहे हैं, यही चीज है। तो देखिए आयल इन वाटर में आयल जो है आपका यहां डिस्पर्स फेज होगा,
डिस्पर्स्ड फेज होगा, यानी लो क्वांटिटी में यही रहेगा, और यहां पे वाटर जो होगा वो डिस्पर्जन मीडियम रहेगा। आप खुद देखिए, दोनों कंपेयर करेंगे आसानी से समझ में हो जाएगा। और यहां पे हम लोग देखें, अगर वाटर जो होगा ये वाटर डिस्पर्स फेज हो जाएगा, वाटर डिस्पर्स्ड फेज, और आयल जो होगा वो डिस्पर्जन मीडियम, नाम से ही पता चल गया। ठीक, आयल इन वाटर, वाटर इन आयल से ये हो गया। आपको मालूम है कि जहां पे जो डिस्पर्जन मीडियम है, जैसे डिस्पर्जन मीडियम ये है, तो इसे हम लोग कहते हैं एक्वस इमल्सन। एक्वस इमल्सन इसका नाम ये हो सकता है। और वहां आयल डिस्पर्जन मीडियम है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑयली इमल्सन। ऑयली इमल्सन ये ध्यान रखिएगा भाई, इसे ऑयली इमल्सन इसे कहेंगे। यानी एक्वस इमल्सन और ऑयली इमल्सन ये दो दिमाग में आपके होने चाहिए। एक्वस इमल्सन नाम से ही दे रहा है कि डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम वाटर होगा, और ऑयली इमल्सन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका आयल होगा वो डिस्पर्जन मीडियम होगा। तो सीधे सीधे अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल करें, अभी आपने मिल्क की बात कही तो मिल्क इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, मिल्क इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जिसको आप नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं भाई। ठीक है, मिल्क के अलावा आपने वैनिशिंग क्रीम सुना होगा, क्रीम के बारे में तो आपको आइडिया होगा ही, वैनिशिंग क्रीम नाम से ही पता चल रहा, वैनिश कर जाए, चेहरे पे लगाइए और चेहरे पे लगाते ही अगर वो वैनिश कर जाए, डिसअपियर हो जाए, तो आप जानते हैं उसे वैनिशिंग क्रीम आप कह रहे हैं। ठीक है भाई, और ये चेहरे को पता भी नहीं चलता है कि आप कितने स्मूथ दिखाई दे रहे हैं, वो उसका कारण क्या है, वो वैनिशिंग क्रीम ही दिखाई देता है। ठीक है भाई, तो मिल्क में अभी आपने क्या कहा, मिल्क की बात अगर हम लोग कह रहे हैं, मिल्क में आपने कहा, ध्यान दीजिएगा, फैट ग्लोब्यूल्स है, फैट ग्लोब्यूल्स है, और वाटर है, और प्रोटीन है, ये तीन कंटेंट कहा ना आपने, तो फैट ग्लोब्यूल्स डिजॉल्व होगा वाटर में, फैट ग्लोब्यूल्स यानी फैट ग्लोब्यूल्स आपका जो है ये आयल हो गया, और आयल यहां पे क्या है, डिस्पर्स फेज, ये डिस्पर्जन मीडियम हो गया, डिस्पर्जन मीडियम हो गया, और आपका ये प्रोटीन क्या हो गया, मिल्क प्रोटीन जो है इमल्सीफायर हो गया, इमल्सीफायर हो गया भाई। ठीक है भाई, ऑफ वैनिशिंग क्रीम के वो तो कंटेंट कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा, इसमें भी क्या होगा, कोई आयल होगा जिसको वाटर में डिजॉल्व किया हो गया होगा, और वो आयल जो है वाटर में डिजॉल्व होने के बाद कोई एजेंट ऐसा मिलाया गया होगा जिससे कि वो क्या हो, सरफेस पे पहुंचते ही डिसअपियर भी हो जाता है। हम लोग जिसे वैनिशिंग क्रीम चेहरे पे अगर लगाते हैं तो वो जैसे ही स्किन पे अटैच करते हैं, थोड़ा सा लगाते हैं, फिर वो अपने आप डिसअपियर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वैनिशिंग क्रीम। ओके भैया, तो ये आपका ऑयल इन वाटर हो गया, अभी डायग्राम भी नीचे बना देंगे, पहले अभी इसको देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल सीधे सीधे आपका यहां वैनिशिंग क्रीम है तो वहां कोल्ड क्रीम, ठीक है भाई, कोल्ड क्रीम हो गया, ठीक, बटर भी इसका कॉमन एग्जाम्पल होता है, बटर भी कॉमन एग्जाम्पल होता है, और कॉड लीवर आयल होता है, आजकल तो इसके टेबलेट भी आ रहे हैं जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने का काम करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने का काम करता है कॉड लीवर आयल। तो ये सब आपके जो है क्या है, वाटर इन ऑयल, यानी यहां आयल के कंटेंट ज्यादा है, आयल के कंटेंट ज्यादा, उसमें थोड़ा सा वाटर इंट्रोड्यूस है। यहां पे एक डायग्राम हमने दिखे बना दिया है,
ये आपका ऑयल है, ऑयल यहां पे क्या है डिस्पर्स फेज, ये आपका क्या होगा डिस्पर्स फेज, डीपी साइड में लिख दे रहे हैं ठीक है भाई, ये डीपी लिख दे रहे हैं डिस्पर्स फेज, और ये डीएम, ये डीएम यानी वाटर यहां पे आपका क्या है डीएम, वाटर डीएम है और यहां पे वाटर आयल जो है डीएम, अब जानते हैं डीएम तो पावरफुल आदमी होता ही है, और डीपी जो है डीपी तो चेंज किया जा सकता है, इसका मतलब है एक एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एक इमल्सन से दूसरे इमल्सन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इन्वर्जन, ठीक है ठीक, यानी टू टाइप्स ऑफ इमल्सन कैन बी, टू टाइप्स ऑफ इमल्सन कैन बी इंटरचेंज्ड बाई एडिंग आप क्या करेंगे, या कहिए कि बाई चेंजिंग द, कर लीजिए बाई चेंजिंग द रेशियो ऑफ ऑयल एंड वाटर आप इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग ऑफ वाटर, ठीक है भाई, इसे हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि फेज इन्वर्जन, यहां फेज का इन्वर्जन हो जा रहा है, इन्वर्जन मतलब उल्टा हो गया, फेज इन्वर्जन जो यहां पे आपका डिस्पर्स फेज है यहां डिस्पर्जन मीडियम हो जा रहा है, और जो डिस्पर्जन मीडियम है वो डिस्पर्स फेज हो जा रहा है, यानी क्वांटिटी को आप चेंज कर दीजिए, क्वांटिटी आयल की यहां कम है आयल बढ़ा दीजिए वाटर कम हो जाएगा, तो ये आपका ये वाला फॉर्म कन्वर्ट हो जाए, यानी बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल बाय चेंजिंग द प्रपोर्शन ऑफ कंपोनेंट के प्रपोर्शन को चेंज करके आप ये सब चीजें बदल सकते हैं, ठीक, ये आपका सीधे सीधे है ऑफ इमल्सन, प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन, ठीक, इमल्सन जो होता है shows all characteristic property of collider. कोलाइड की जो प्रॉपर्टी होती है उस सारी प्रॉपर्टी ये शो करता है, जैसे टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है, ये सब आप पढ़ते हैं ना, दैट इज टिंडल इफेक्ट, अब ये सब पढ़ना नहीं है आपको, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सब चीजें जो है सब ये शो करता है, शोज ऑल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक, और आपको मालूम है ये भी जो है कोआगुलेशन शो करता है, मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट है, ये क्या होता है कोआगुलेटेड लाइक कोलाइडल सॉल्यूशन, लाइक कोलाइडल सॉल्यूशन बाय एडिंग पॉलीवैलेंट मेटल आयन, मेटल आयन, अब नाम से देखिए पॉलीवैलेंट मेटल आयन कह रहा है,
मेटल आयन मतलब पॉजिटिव चार्ज, मेटल आयन मतलब यहां पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इंडिकेट क्या कर रहा है, इंडिकेटिंग द नेगेटिव चार्ज ऑन ग्लोब्यूल्स, मतलब ये बता रहा है कि इमल्शन के पार्टिकल का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ऑन ग्लोब्यूल्स, जो भी ग्लोब्यूल्स होंगे उस पर नेगेटिव चार्ज इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इनके पार्टिकल की साइज जो होती है, पार्टिकल साइज ऑफ इमल्शन जो होता है वो लगभग जो है 1000 से 10000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, 1000 से 1000 एंगस्ट्रॉम टू 10,000 एंगस्ट्रॉम तक लगभग होता है, और ये साइज जो है साइज लेस देन सस्पेंशन है भाई, सस्पेंशन भी होता है, सस्पेंशन का मतलब है कि जो कप सिरप उरप आप पीते हैं ना, कप सिरप उरप पीते हैं जिसमें लिखा रहता है सेक बेल बिफोर यूज, वो सब सस्पेंशन होते हैं, तो उनकी अपेक्षा इनकी पार्टिकल की साइज लेस होती है, बाकी कोलाइडर पार्टिकल से बड़ी होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इमल्शन को हम लोग जो है ब्रेक कर सकते हैं, इमल्शन कैन बी ब्रोकन। अब जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसको ठीक से पढ़िए, एक टॉपिक दिया गया तो उसको ठीक से पढ़िए, ये जरूरी है। इमल्शन कैन बी ब्रोकन इनटू टू सेपरेटेड। आप इमल्शन को जो है कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड में, लिक्विड्स बाई मेथड होता है, आप हीट करके बाई फ्रीजिंग आप फ्रीज भी कर सकते हैं, बाई फ्रीजिंग और बाई सेंट्रीफ्यूजेशन, सेंट्रीफ्यूजिंग एक प्रोसेस होता है, सेंट्रीफ्यूज होता है वो भी, बाई सेंट्रीफ्यूजिंग एटसेट्रा, इन मेथड्स के द्वारा आप इमल्शन को अलग कर सकते हैं। इमल्शन में क्या क्या चीज पाया जाता है, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम और इमल्सीफायर, तीनों को अलग करने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इमल्शन को उनके कंपोनेंट में ब्रेक करने की प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज नोन एज इसी को हम लोग कहते हैं डीमल्सीफिकेशन। ठीक है भाई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीमल्सीफिकेशन। ठीक, जैसे हम लोग अगर मान लीजिए, अगर गौर से देखिए, फैट कैन बी एग्जांपल देख रहे हैं, फैट कैन बी, आप मिल्क से फैट निकालना हो, फैट कैन बी रिमूव फ्रॉम मिल्क, कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क बाय रेफ्रिजरेटर। ठीक है, बाय कूलिंग इट इन अ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, मिल्क से आप जो है इसको निकाल सकते हैं। ठीक, क्रीम को निकालने के लिए, क्रीम ऑफ मिल्क कैन बी रिमूव्ड, ठीक है, कैन बी सेपरेटेड बाय किसके द्वारा भाई, आप सेंट्रीफ्यूजेशन के द्वारा करते हैं, सेंट्री ये एपरेटस होता है भाई, थोड़ा आगे जाएंगे तो ये सब देखेंगे, सेंट्रीफ्यूजेशन के द्वारा, यानी क्रीम मिल्क का जो है आप सेपरेट कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूजेशन के द्वारा, और मिल्क को आप जो है कूल करके रेफ्रिजरेटर में, फैट को आप ऐसे रिमूव कर सकते हैं। घरों में भाई घी निकाला जाता है, क्रीम निकाला जाता है, ये सब तमाम चीजें होती है, आप देखते हैं घर में जो नॉर्मल टेक्निक है उसी तरीके से भी हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और मिल्क जो है, मिल्क से क्रीम निकालने के लिए मथा खूब जाता है, देखते हैं ना, इससे मथा जाता है। ठीक है, मथने का भी काम करते हैं हम लोग,
तो उससे जो है आप क्रीम निकालते हैं, उसी क्रीम के द्वारा जो है फिर तमाम चीजें आप जो है ऑब्जर्व करते हैं। आइए अब चलते हैं यहां पे हम लोग कि कैसे हम लोग जो है इमल्सन को प्रिपेयर करते हैं ना। ये पढ़ा होगा मिसल्स का फॉर्मेशन, तो उससे पहले आप इसको लिख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ मिसल। तीन हेडिंग है एक साथ, देखिएगा अभी आप प्रिपरेशन ऑफ मिसल्स, अभी आपको बताएंगे मिसल्स भी क्या होता है, एसोसिएटेड कोलाइड होता है ये भी ध्यान रखिएगा। मिसल्स के बारे में आपको बता रहे हैं, तो मिसल्स क्या होता है इसको ध्यान दीजिएगा। और तीसरी हेडिंग इसमें आ जाएगी आपका जो वही है प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। तो ये तीन चीजें हैं और तीनों चीजों को समझने के लिए कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। आपको मालूम है सोप सोडियम स्टेरेट C17H35COONA, सोडियम स्टेरेट। अब इसी में मिसल्स के बारे में भी पढ़ लिया जाता, बहुत बड़ी बात नहीं है। सोडियम स्टेरेट, ठीक है, सोडियम स्टेरेट को सोप को अगर आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये तो मालूम है ये अपने आयनों में टूटेगा ही, C17H35COO- और Na+ में टूटेगा। तो ये एक्वस फॉर्म है, ये भी एक्वस मतलब पानी के अंदर इस तरह से रहेंगे भाई, ये सोप ध्यान दीजिएगा ये सोप है और ये कैसा बिहेवियर यहां पे करेंगे इमल्सीफायर का। अब आप खुद देखिएगा इसका रोल यहां पे, इसे हम लोग कह सकते हैं एक और चीज कह सकते हैं रोल ऑफ इमल्सीफायर भी हो गया, रोल ऑफ इमल्सीफायर भी हो गया इसी में भाई, ध्यान दीजिएगा और रोल ऑफ इमल्सीफायर भी हो जाएगा यही चीज। तो हमने कहा ये चीजें आपने किया, अब आप जानते हैं सोप जो है अगर स्मॉल अमाउंट में स्मॉल कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन स्मॉल है सोप का पानी में, तो जानते हैं कैसा बिहेवियर शो करेगा, बिहेव्स एज इलेक्ट्रोलाइट। ये कैसा बिहेवियर शो करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेवियर शो करेगा, यानी सोप का कंसंट्रेशन अगर पानी के अंदर स्मॉल है तो सोप जो है वो बिहेवियर कैसा शो करेगा, स्मॉल सॉरी इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेवियर शो करेगा। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब पानी में डिजॉल्व किया अपने आयनों में टूट गया। अगर हम इसी को ध्यान दें, अब इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे, कंसंट्रेशन ऑफ सोप इन वाटर इंक्रीजेस, तो सोप के कंसंट्रेशन को अगर वाटर में इंक्रीज कर रहे हैं तब आप देखिए क्या हो रहा है। तो आपका जो है ये इसे हम लोग क्या नाम देते हैं स्टीयरेट आयन, ध्यान दीजिए इसका यूज करना है स्टीयरेट आयन, यही स्टीयरेट आयन जो है स्टीयरेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी इंक्रीज करेगी, और यही स्टीयरेट आयन जो है दीज स्टीयरेट आयन ठीक एसोसिएटेड टुगेदर, अभी दिखाएंगे कैसे एसोसिएट करेगा, अभी तो हम पहले प्रोसेस पे चल रहे हैं, थोड़ा 5-7 मिनट का टाइम लगेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दीज स्टीयरेट आयन एसोसिएटेड टुगेदर टू फॉर्म पार्टिकल ऑफ कोलाइडल रेंज, पार्टिकल ऑफ कोलाइडल रेंज, और जो पार्टिकल आपका बन रहा है उसी को हम लोग कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड। एक देसी एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, जैसे आप एक गुड़ का टुकड़ा छोड़ दीजिए ऐसे जमीन पे गिरा दीजिए, 10 सेकंड बाद 10 मिनट के बाद आप देखेंगे गुड़ के चारों तरफ जो है चीटी के चीटी दिखाई दे, और वो चीटी उसको चीटी चीटा जो भी है उसको कवर कर दे, उसे कवर कर लेंगे। तो वैसे ही यहां पर है, गुड़ की जगह हमें ऑयल लेना है,
आयन जैसे ही मिलेगा ये स्टीयरेट आयन उसके चारों तरफ कवर कर लेंगे और कवर करने के बाद एक पार्टिकल का निर्माण करेंगे, पार्टिकल का फॉर्मेशन करेंगे और उसी पार्टिकल को हम लोग क्या, उसी पार्टिकल के फॉर्मेशन को क्या कहेंगे, एसोसिएटेड कोलाइड कहेंगे। अभी आपको दिखाते हैं। तो पहले इतनी चीजें आप देखिए, सोडियम स्टीयरेट वाटर में डिजॉल्व किया तो ये अपने आयनों में टूटेगा, अगर इसकी कंसंट्रेशन कम है तो ये इलेक्ट्रोलाइट की ही तरह बिहेवियर शो करेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे आपने सोडियम स्टीयरेट का कंसंट्रेशन वाटर में बढ़ाया तो जब बढ़ाया तो ये आयन ज्यादा बनेंगे, जब ये आयन ज्यादा बनेंगे तो ये आपस में जुड़ना शुरू करेंगे और जुड़ने के लिए इनको एक सेंटर चाहिए, वो सेंटर मिलेगा कपड़ा धुलते वक्त। तो ये स्टीयरेट आयन जुड़ना शुरू करेंगे, किससे जुड़ना शुरू करेंगे, अभी हमने बताया ना कपड़ा धुलेंगे तब उसमें आएगा। स्टीयरेट आयन आपस में जुड़ना शुरू करते हैं, किसी एक सेंटर पे जुड़ना शुरू करते हैं और जुड़ने के बाद एक पार्टिकल का निर्माण करते हैं, यानी पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं और कंडीशन है उस पार्टिकल की रेंज किसकी होगी, कोलाइडर की रेंज के बराबर होगी और ऐसे कोलाइड को हम लोग कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइड। ठीक, तो अगर आप इसको देखें स्टीयरेट आयन तो इसमें दो पार्ट, अगर आप देखें ध्यान से इसमें दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक हाइड्रोकार्बन पार्ट है और एक कार्बोक्सिलेट पार्ट है। हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है ये नॉन पोलर होता है, ये ध्यान रखिएगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है ये नॉन पोलर होता है और ये जो कार्बोक्सिलेट एंड है ये पोलर एंड है, नॉन पोलर एंड है ये और ये कौन सा एंड है, पोलर एंड है, ये ध्यान रखिएगा भाई। तो अगर हम लोग इसी को ध्यान से दिखाएं, ध्यान दीजिएगा, तो हमने क्या कहा कि C17H35COO-, इसके दो पार्ट हो गए, ये आपका जो है नॉन पोलर हो गया, नॉन पोलर पार्ट को हम लोगों ने नाम दिया हाइड्रोकार्बन पार्ट और ये आपका हो गया पोलर पार्ट, पोलर पार्ट कहा और इसे आपने नाम दे दिया कार्बोक्सिलेट एंड। समझिएगा भाई, अभी ये इमर्सन वाला काम खत्म हो रहा है। अब इसके बाद हमने कहा जो हाइड्रोकार्बन है उसको आप ऐसे दिखाइए, हाइड्रोकार्बन और जो होता है एक्सरे एनालिसिस करता है जिगजैग मोशन शो करता है, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन एंड हो गया, ये कौन सा एंड हो गया, हाइड्रोकार्बन एंड हो गया और इसके कार्नर पे हमने लगा दिया ये कौन सा एंड हो गया, ये हो गया। ठीक है भाई, ये आपका जो है, जो ये हमने दिखाया ये कार्बोक्सिलेट एंड है भाई, कार्बोक्सिलेट एंड है और ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन हाइड्रोकार्बन एंड, यानी अब ये हाइड्रोकार्बन एंड है और ये कार्बोक्सिलेट एंड है। अब इसका रोल देखिए क्या है, एक पार्टिकल मतलब एक बर्तन लिया कपड़ा धुलने के लिए और बर्तन धुलने के बाद लिए उसमें पानी ले लिया, बकेट में पानी ले लिया, घरों में हम लोग कपड़ा धुलते थे यही सब प्रोसेस होता है, हो गया। और उसके बाद जो है आपने इसमें सोडियम स्टीयरेट ले लिया, इसके अंदर सोडियम स्टीयरेट, ये वाटर हो गया ठीक है और प्लस इसमें क्या ले लिया, सोप, वाटर प्लस सोप है। अब आप वो कपड़ा ला रहे हैं जिससे तेल गिरा हुआ है, तो हमने मान लिया कि ये हमारे पास ये कपड़ा है, हो गया, और इस कपड़े पे आयल की ड्रॉपलेट है, देखिए ये ठीक, अब आयल की ड्रॉपलेट से दिखा रहे हैं और कपड़े से कोई मतलब नहीं, ठीक है भाई, क्योंकि हमें आयल की ड्रॉपलेट को हटाना है, ये आयल की ड्रॉपलेट हो गई, आयल की ड्रॉपलेट हो गई। आपको मालूम है आयल भी हाइड्रोकार्बन होता है, आयल भी हाइड्रोकार्बन होता है, तो एक थियरी पढ़ा है आपने, लाइक डिजॉल्व लाइक पढ़ा होगा आपने थियरी, यानी नॉन पोलर को अट्रैक्ट करता है, पोलर पोलर को अट्रैक्ट करता है, यानी पोलर पोलर को डिजॉल्व करता है, नॉन पोलर को डिजॉल्व करता है, तो इसमें हाइड्रोकार्बन एंड जाएगा आयल की तरफ, तो ध्यान दीजिएगा,
जैसे ही सोप का हाइड्रोकार्बन एंड होगा जाकर इसकी सरफेस पे ऐसे जुड़ जाएगा। देखिए ध्यान से, ये हो गया, ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा। ये जुड़ गया, देखिए ये जुड़ गया। ये वाला एंड कौन सा है? ये वाला पोलर वाला है, पानी की तरफ है। और ये वाला एंड कहां पे है? ये वाला एंड आयल के पास है, आयल। तो ये इस तरह से बन गया। जो पार्टिकल बना है उसी पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? मिसेल्स है। ये मिसेल्स बन गया, ये आपका क्या हो गया? मिसेल्स का फॉर्मेशन हो गया। हमने कहा था ना स्टीयरेट आयन जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद एक पार्टिकल बनाएंगे और वो पार्टिकल की रेंज क्या होगी? कोलाइडल रेंज होगी। तो वो यही बन रहा है, यही यहाँ पे पार्टिकल बन रहा है, इस चीज का ध्यान रखिए। अब इसके बाद देखिए, अब यहां तक तो हो गया, अब ये खत्म हो गया भाई। अब इसके बाद हम लोग चल रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। अब रोल ऑफ इमल्सीफायर देख लीजिए। आपने आयल को पानी में डिजॉल्व किया, आयल को पानी में डिजॉल्व करने पर आयल और पानी मिक्स नहीं होते, लेकिन जैसे ही आपने सोप मिलाया, ध्यान दीजिएगा, सोप का जो हाइड्रोकार्बन एंड है वो जाकर के आयल से जुड़ गया। सोप का हाइड्रोकार्बन एंड आयल से जुड़ गया और जो पोलर एंड है वो वाटर से जुड़ गया। तो इनके बीच का जो इंटरफेसियल टेंशन है वो रिड्यूस कर देगा। यानी ये हाइड्रोकार्बन एंड कहां जाकर जुड़ा है? हाइड्रोकार्बन एंड अटैच टू सरफेस ऑफ आयल, आयल। और ये जो आपका है, ये पोलर एंड जो है कहां अटैच है भाई? अटैच टू वाटर, ठीक। अब दोनों से जुड़ गया, दोनों के बीच का जो ये क्या काम कर रहा है? रिड्यूसेस द इंटरफेसियल टेंशन। कौन इंटरफेसियल टेंशन को रिड्यूस कर रहा है? सोप जो है इंटरफेसियल टेंशन को रिड्यूस कर रहा है। अभी दिखाएंगे आपको, तेल और पानी मिक्स हो जाएगा। तो आप देखिए, अब इसके बाद गौर करिए, कपड़ा धुलते वक्त आप देखते हैं ये सब सारे क्या हाइड्रोकार्बन, इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। सिमिलर है ना, तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे से हटना चाहते हैं। लेकिन अगर आयल और फैब्रिक्स यानी कपड़े के बीच की बॉन्डिंग मजबूत है तो इतनी आसानी से आप देखते हैं वो निकल नहीं पाता। तो कभी आपने काउंट किया होगा, कपड़ा धुलते वक्त हम लोग उस पार्ट को बहुत रगड़ते हैं जिस पार्ट में डस्ट है, जिस पार्ट में कोई स्टेन है या धब्बा पड़ा हुआ, उस पार्ट को आप रगड़ने का प्रयास खूब करते हैं। उसका कारण यही है कि जो रिपल्सन है उस रिपल्सन को आपको क्या करना है? बढ़ाना है। और जब रिपल्सन को बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं? पार्ट आप करते हैं, इस पार्ट को क्या करते हैं? काफी ज्यादा रगड़ते हैं। और रगड़ने के बाद ये रिपल्सन धीरे धीरे क्या बढ़ा दीजिएगा? ये रिपल्सन जो है, अब देखिए जो आयल का ड्रॉपलेट इनके बीच में रिपल्सन बढ़ गया तो ये अपने साथ, देखिए ये अपने साथ जो है हिस्सा लेकर निकल आया। यानी जिस पार्ट से ये स्टीयरेट आयन जुड़ा होगा आयल के, उस हिस्से को खींच के लेकर चला आया अपने साथ। ये अपने साथ लेकर चला गया, 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 ये अपने साथ लेकर चला गया। अब गौर से देखिए, यहां जो आयल की ड्रॉपलेट थी वो आयल की ड्रॉपलेट छोटे छोटे पार्ट में टूट गई और टूटने के बाद वो किसके साथ जा रही है? स्टीयरेट आयन के साथ। और वो स्टीयरेट आयन जो है जाकर के पानी के अंदर जो है, कपड़ा ही है, पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। अब पानी के अंदर मिक्स होने करते क्या है? अगर पानी के अंदर स्टीयरेट आयन मिक्स हो गया फिर कपड़ा निकालते हैं और कपड़े को फ्रेश वाटर में औरतें धुलती। अब औरतों का रोल देखिएगा, तो औरतों का रोल अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर आपने कभी महसूस किया हो तो औरतें जब कपड़े को क्या करती हैं, पानी निकालती हैं और धुलती हैं, उसके बाद वो अपने ताकत की अजमाइश करती है। अगर आपने देखा हो कपड़े को निचोड़ना शुरू करते हैं, उनका मुंह कितने चेंज होता है,
ये लगेगा कि कपड़े की जान वो निकालना शुरू करे, और कपड़ा भी बेचारा जो है निचोड़ने के बाद ये कहता, हाथ जोड़ता है कि भैया हम सूख चुके हैं, हमारे अंदर का पानी निचोड़ चुका है, आप जो है इतना ताकत न लगाई, और उसके बावजूद भी अगर नहीं मानते तो वो पैर के बीच में फंसा के जो है उसको निचोड़ने का काम करते हैं। वो डिपेंड करता है कपड़े की लेंथ पे। इतना होने के बाद जो है फिर वो कपड़े को अगर डार पे फैलाना शुरू करती है तो उनका यूं स्टाइल है, यूं और यूं करेंगे आराम से, और अपने आप को देखते भी महसूस भी करते रहते हैं कि हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, और इस तरह से पूरा इनका कपड़ा धुलने का प्रक्रिया भी जो है शुरू हो गया, खत्म हो गया, मतलब कपड़ा धुल गया और उनने अपनी एक्टिविटी भी कर ली, और पसीना पोंछते हुए फिर गए, बहुत बड़ा काम उन्होंने कर दिया। लेकिन इसमें उन्होंने काफी एक्टिविटी भी की, काफी परफॉर्मेंस भी किया। लेकिन कपड़ा धुला उसके बाद देखिए, जब कपड़े को बाहर निकाल लिया तो जो आयल की ड्रॉपलेट थी और जो स्टीरेट आयल था वो पानी के अंदर छूट गया। देखिए कपड़ा आफ्टर क्लींजिंग एक्शन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जो कंटेनर में आपका क्या बचा, कंटेनर में बचा वाटर, आयल और सोप, यही तो बचा। इनके मिक्सर को हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। ये जो बना आपका है इसे हम लोग इमल्सन कहेंगे, और इसी प्रोसेस को आपने नाम क्या दिया, इमल्सिफिकेशन। ठीक, इन कंटेनर आपको क्या बचा हुआ, अब आपके वाटर आयल और सोप बचा, तो इसी प्रोसेस को हम लोग इमल्सिफिकेशन या इमल्सन कहते हैं। ये आपका जो है इमल्सन के बारे में कुछ कॉमनली यूज्ड इमल्सिफायर, कॉमनली यूज्ड इमल्सिफायर जो होते हैं वो आपका पॉलीमर्स यूज करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल में, और मेटल के ऑक्साइड्स भी यूज करते हैं, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। जो कंसंट्रेशन हम लोग पढ़ते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ ओर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर, कौन से प्रोसेस के द्वारा, बाई फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये भी जो है इमल्सन बेस्ड है भाई, ठीक है, बेस्ड ऑन इमल्सिफिकेशन। ये भी इमल्सिफिकेशन पे बेस्ड है, ये ध्यान रखिएगा। डाइजेशन ऑफ फैट जो इंटेस्टाइन में होता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स इन इंटेस्टाइन बेस्ड है, डाइजेशन ऑफ फैट इन इंटेस्टाइन बेस्ड है, वो भी इन्वॉल्व इमल्सिफिकेशन। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक। कुछ जगहों पे जो है इमल्सन अनडिजायर्ड होता है, प्रेजेंस ऑफ इमल्सन इज अनडिजायर्ड, द प्रेजेंस ऑफ इमल्सन इज, जहां जरूरत नहीं होती वहां भी इमल्सन हो जाता है, अनडिजायर्ड, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल, अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, फॉर एग्जांपल अगर यहां पे देखिए
कि जैसे इमल्सिफाइड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पेट्रोलियम इन ऑयल वेल्स, जो ऑयल वेल्स होते हैं उसमें इमल्सन जो है अपने आप किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी पेट्रोलियम ऑयल जो है वो इमल्सन इमल्सिफाइड हो जाता है, मतलब अपने आप इमल्सन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ऐसे इमल्सन को सच इमल्सन आर, सच इमल्सन आर ब्रोकेन, आप इसको फिर ब्रोकेन इंटू, सच इमल्सन आर ब्रोकेन इंटू इट्स कंपोनेंट बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड्स, बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड्स, ठीक है भाई। तो ये कुछ इसके टाइप हैं, जो मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप नॉर्मली ऑब्जर्व करिए। कॉमनली यूज इमल्सिफायर जो है पॉलीमर, इंडस्ट्रियल स्केल में मेटल ऑक्साइड यूज करते हैं, हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं सोप है, प्रोटीन है, ये सब भी जो है कॉमनली यूज इमल्सिफायर है भाई। कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और करते हैं, ये भी किस पर बेस्ड है, इमल्सिफिकेशन। और जो फैट का डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन में वो भी इन्वॉल्व होता है इमल्सिफिकेशन। और कहीं कहीं पर अनडिजायर्ड इमल्सन हो जाता है, जैसे पेट्रोलियम ऑयल वेल है ना, वहां पे अपने आप इमल्सन बन जाता है। तो फिर उस इमल्सन को सेपरेट करते हैं और उसके उसके कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए कुछ फिजिकल और केमिकल अननेसेसरी मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। थैंक यू।